So, hello, namaste, satshakal, all beautiful people. Right now, today is 12th of April, and I have with me Anmol, who is leading right now, and I have another rider friend, Pradeep. Pradeep ke saath mein pani rider hai hamare saath. He just did 870 kilometers ride in a single day to Shimla. और आज का हमारा प्लान था पहले कि हम लोग जाएंगे सिलीसर लेक, बट सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी एंड अभी भी अलवर वाली साइड पर बारिश दिखा रहा है, तो हम लोग जाएंगे और फिर हम लोगों का प्लान चेंज हुआ। हमने सोचा था ऋषिकेश चलते हैं, बट ऋषिकेश भी इस टाइम पे सेम डे अप डाउन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इट्स 7:30 राइट नाउ, तो हम लोग जा रहे हैं अभी आगरा। यहाँ से लगभग है 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर्स, तो लेट्स होप टू कवर एवरीथिंग फास्ट। सो गाइस, मैं ट्रिप जीरो करना भूल गया था, अभी मैंने कर लिया ट्रिप जीरो, ज़्यादा डिस्टेंस हुआ नहीं है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने में, बट लेकिन इस टाइम पे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। लेफ्ट राइट हेलमेट ऐसे जा रहा है मेरा, और अभी मौसम थोड़ा क्लाउडी ही है, अंदर छोप की बारिश नहीं होगी। So guys, we are done with the breakfast and we're leaving now. और ये भाई है प्रदीप भाई। Hi guys, how are you? We just randomly met in Karol Bagh, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे, और तभी बात हुई, देन आई एडेड हिम टू द ग्रुप, और हम लोग साथ राइड कर रहे हैं। और भाई का भी चैनल है, भाई ने न्यू चैनल स्टार्ट किया है बोल्ट राइडर नाम से, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल चेकआउट करना भाई का। और कुछ बोलना चाहोगे भाई? हाँ बस यार कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका चैनल रेगुलर देखिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, और मेरा चैनल भी ज़रूर देखिए बोल्ट राइडर के नाम से, ठीक है? एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं आगे और आई विल सी यू ऑन द रोड। सो गाइस, टोल आ गया है, और यही एक रोड है जहाँ पे पहली बार मैं बाइक पे होकर टोल टैक्स पे करूँगा, तो ठीक है, बहुत सारा टोल टैक्स बचा लिया। एक बार ही पे कर देंगे, कुछ चला नहीं जाएगा, और हम लोग लेंगे यहाँ से आने जाने की टिक, आने जाने का टोल कटवाएंगे। आगरा राउंड So guys, ये हमारा सेकेंड टोल आ गया रूट का, और हमें तो टोल पे नहीं करना है, हम पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं दोनों साइड आने जाने का, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिप दिखानी होगी। अभी टोल पे खड़ा, टोल पे वहाँ, हाँ अभी प्रदीप गया।
हाँ नहीं नहीं दोस्त है वो। ताजमहल और अगला स्टॉप वहीं लेंगे, तो चलते हैं, आपको भी लेके चलते साथ में। सो गाइस काफी तेज धूप थी और ये कुछ बादल आ गए हैं धूप सन के सामने। सो थैंक यू बाबा जी शेड के लिए। सो गाइस हम लोग यमुना एक्सप्रेस से नीचे आ गए हैं। हम लोग शाहबाद रास्ता है, पुराना रास्ता है, पुराना हाईवे है, इस पे चल रहे हैं क्योंकि ये छोटा है रास्ता ताजमहल जाने के लिए। और गूगल दीदी भी यहीं से लेकर जा रही हैं। थोड़ी सी यहाँ पे वही सिंगल लेन में दिक्कत आती है कि कोई भी अपनी लेन में चलता नहीं है, ट्रक्स भी गाड़ियाँ भी इस तरह के ओवरटेक करती हैं, बाइक्स को लोग कंसिडर नहीं करते कि कोई आ भी रहा है। ठीक है, बाकी वी आर राइडिंग सेफ। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर रह गया है। जहाँ से हमने एक्सप्रेस से एग्जिट किया था वहाँ से करीब 20 किलोमीटर्स था, 10 किलोमीटर्स हम लोग कर चुके हैं। मेरे को आगे कुछ मार्केट से दिख रही है और यहाँ पे थोड़ा सा गूगल दीदी बोल रही है, थोड़ा ट्रैफिक है। गूगल दीदी अच्छा नहीं लगता, गूगल आंटी ऐसा लगता है, डोंट टेक मी रॉन्ग, सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। एक्सप्रेस वे पर चलाने का अलग ही फील है। फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस वे पर मैं बाइक से आया हूँ, इनफैक्ट लाइफ में सेकंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कार से आया था 2015 में, आगरा आया था तब, और अब मैं उसके बाद आया हूँ। अभी भी आज का प्लान नहीं था आगरा का, बट बन गया, ठीक है। और जो होता अच्छे के लिए होता है, हमारा ऋषिकेश का प्लान, सिलेश्वर लेक का प्लान कैंसिल हो रहा हूँ, यहाँ आए तो ठीक है, जो होता अच्छे के लिए होता है। तो चलते हैं, मैं आपको सीधा ताजमहल जाके मिलता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ दिखाने लायक तो है नहीं है सच। तो चलते हैं, मिलते हैं ताजमहल, बाय बाय। में ताजमहल कंप्लीट हो गया था 22 साल, हाँ, ताजमहल को बनने में 22 इयर्स लगे थे। 20,000 लेबर जो है ना एवरी डे वर्क किया करते थे। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद ईसा अफंदी, वो तुर्की के रहने वाले थे, और जो डिज़ाइनर थे उनका नाम था उस्ताद अहमद खान लाहौरी, उनकी कब्र जो है लाहौर पाकिस्तान में। शाहजहाँ का 3 बीवी थी, फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, सेकंड कंधारी बेगम, थर्ड मुमताज। फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, उनकी कब्र मैंने आपको दिखाया बाहर थी। सेकंड थी कंधारी बेगम, कंधारी बेगम की कब्र जो है वो कंधार अफगानिस्तान में है। थर्ड थी मुमताज, तो मुमताज का रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम। ये 3 बीवियाँ थी। अच्छा, ये रेड स्टोन आप जितना भी देख रहे हैं ना, ये लोकल आगरे का है, आगरा में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, रेड स्टोन फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। और ये व्हाइट मार्बल जो है, व्हाइट मार्बल जयपुर से लाया गया था, जयपुर के पास में एक जगह है मकराना, तो व्हाइट मार्बल जो है मकराना में से लाया गया था। बाईस है, देखिए सामने वो दिखा है मीनार, वो गिरा था कितना छोटा, वो मीनार जो साइड में ना वो गिरा है, यहाँ मीनार गिरा है, दिख रहा है कितना पतला सा है ये, देखिए नीचे कितना मोटा है, वो कितना हैवी, बहुत बड़ा। काली पत्थर का ताजमहल बनवाना चाहते थे,
इसके पीछे जाएंगे ना, इसके पीछे यमुना रिवर है, वहाँ बनवाना चाहते थे, जो एक गार्डन बना हुआ है इसको मेहताब बाग बोलते हैं, बना हुआ है सामने बिल्डिंग देखते ना, वो लाल दिख रहा है, उसका फाउंडेशन कर सेकंड टाइम में ना वहाँ बनवाना चाहते थे, तो उनके जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने उनको कैद कर लिया, कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया, बोला आपने एक ताजमहल बना लिया, अभी आप दूसरा ताजमहल बनवाएंगे तो खजाना ये खाली हो जाएगा, इसलिए उनको कैद करके आगरा किले में डाला, कैद करके आगरा किले में डाला, 6 महीने उनकी कैद में रहे, उसके बाद उनका तबीयत खराब हो गया तो उनका डेथ हो गया, तो उनको ला के दफना दिया गया। इसके अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर दो कब्रें बनी हैं, अंदर अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ दो कब्रें हैं, जैसे स्टेट घुसेंगे एक छोटी कब्र है वो है मुमताज़ की, एक बड़ी कब्र है, बड़ी है शाहजहाँ की, अंदर कोई लाइट नहीं है, अगर लाइट लगाएंगे तो उसकी ब्यूटी में कमी आएगी। सो गाइड फाइनली टाइम टू लीव नाउ, और अभी बहुत भूख लग रही है तो पहले पेट पूजा करेंगे। आई नो मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, तो हम भूखड़ है यार, भूख लगती है, वी आर फूडीज, हेल्दी खाता ना एकदम, मैं जिम शुरू कर दिया, सही बात है। और बहुत प्यास लग रही है, गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, दिल्ली से थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है, और हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं तो प्यास भी लगती है, चलते हैं बाहर जाते हैं, कुछ पहले पानी वानी पियेंगे, ठंडा पियेंगे, उसके बाद वील हैव लंच और उसके बाद वील लीव फॉर दिल्ली। गाइस अभी हम लोग टांगे में बैठ के जा रहे हैं पार्किंग तक, घोड़ा गाड़ी अरे वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी होने वाला है क्योंकि घोड़ा तांगा है, बहुत सारे जर्क्स आ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन एक्सपीरियंस है, इंटरेस्टिंग है। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं, अभी कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत हो रही है, एक्चुअली उस साइड की रोड बंद है तो एक ही साइड से ट्रैफिक आ भी रहा है जा भी रहा है, और ज़्यादा जगह नहीं है रोड पे, बसेस हैं यहाँ पे, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स सी कि कब तक क्लियर हो पाता है, ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है जो गूगल मैप पे भी रेड आ रहा है, देखते हैं चलो जो होगा। सो गाइस बहुत भूख लग रही थी और अनमोल ने भी गूगल पे सर्च किया कि आगरा में बेस्ट कबाब कहाँ पे मिलते हैं, तो इस सदर बाज़ार में जहाँ पना रेस्टोरेंट है यहाँ पे मिलते हैं, एंड हम लोग यहीं आए हैं, ऑर्डर किया हमने गलौटी कबाब ऑर्डर किया, और प्रदीप भाई वेजिटेरियन है तो उसने ऑर्डर किया पनीर टिक्का रोल उल्टे तले के पराठे में, और अभी खाना आएगा देन हम खाएंगे, देन आई विल टेल यू कि खाना कैसा है, तो अच्छा होगा तो आप लोग भी ज़रूर आना यहाँ पे। तो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया, लंच का डिनर हो गया हमारा, एंड अभी हम लोग रेडी हो गया निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, खाना बहुत अच्छा था, आप लोग नॉनवेज पसंद करते हो तो बिग थम्स अप, अब जरूर आना इस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा खाना है, और वेज का भाई रिव्यू देगा। अगर वेज खाना है तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया था पनीर काठी रोल, एंड इट वॉज ऑसम, मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो आप वेज के लिए भी इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, तो बिल्कुल आना जब भी आगरा हो गया यहाँ पे, और अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, अब हमारा प्लान ये कि हम बीच में एक स्टॉप लेंगे 100 किलोमीटर के बाद बाइक का इंजन को ठंडा करने के लिए, एंड नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा सीधा घर पे होगा, तो मिलते हैं, आई सी यू ऑन द रोड, बाय बाय। सो गाइस अभी फ्यूल हो रहा है कम, और हम लोग रुक रहे हैं फ्यूल भरवाने के लिए, बट यहाँ पे शायद पेट्रोल नहीं है, यहाँ पेट्रोल नहीं है, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया है फ्यूल स्टॉप और पेट्रोल डलवा लिया है, और यहाँ पे मुझे हवा नहीं मिली है तो थोड़ा आगे देखेंगे, और मैं ऐसे पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। हो गया सर, तीनों का फ्यूल डल गया है, अब लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी, और मुझे कहीं हवा मिलेगी तो हवा डलवाऊंगा। सो गाइस अभी हम लोग रास्ते पे थे और अनमोल का एक्सीडेंट हो गया, एक्चुअली एक वैन वाले ने राइट का इंडिकेटर दिया और लेफ्ट हो गया, अनमोल ने खुद को बताया कि राइट मुड़ा तो सामने बस थी, उसने एकदम ब्रेक मारी, अनमोल की बाइक बस में घुस गई, बट उसने सेफ्टी गियर पहने हुए थे तो उसका बहुत बचाव हो गया, तो जस्ट सी कि ये उसका हेलमेट है, और ये सारा अगर ये हेलमेट नहीं होता तो जस्ट इमेजिन कि क्या होता, जस्ट इमेजिन, और उसके पैरों में गार्ड्स थे, इसके बल वो गिरा है तो उसका बचाव हो गया,
और वो खड़ा है इस टाइम पर, नहीं तो यू कैन इमेजिन क्या क्या हो सकता था। एंड मेरी सजेशन यही है, जितने भी आप लोग देख रहे हो वीडियो, कि हेलमेट ज़रूर पहनो, एटलीस्ट हेलमेट पहनो, और सेफ्टी गियर पहन सकते हो तो प्लीज़ पहनो। एंड ये उसकी बाइक है, सारा टूट चुका है अभी, मतलब तो बाइक चल रही है बट हेडलाइट ऑन नहीं हो रही, इंडिकेटर नहीं चल रहे हैं, अंदर वायरिंग सारी हिल चुकी है और ये टूट चुका है सारा, आप देख सकते हो। पीछे भी काफ़ी बॉडी को थोड़ा लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, साइड से भी हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है, ऑलराउंड हमें इससे सीखना ही चाहिए, कुछ ना कुछ जो भी होता है ठीक है, अब उसका बचा हुआ अच्छे के लिए हुआ, और बट हमें इससे सीखना चाहिए यार। प्लीज़ सब लोग हेलमेट पहन के चला करो, हेलमेट के साथ साथ सेफ्टी गियर्स यार थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लो अगर तुम लोग बाइक चला रहे हो ना, कितने के आएंगे सेफ्टी गियर्स, एटलीस्ट ये नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, ये सब कितने 1000-1200 के आ जाएंगे, एटलीस्ट तुम्हारी जान तो बच जाएगी ना। प्लीज ये पहना करो यार, या 50,000-60,000 की कम से कम बाइक तो लेते ही हो, कहीं कहीं लोग 1-1.5 लाख रुपए की बाइक लेते हैं, 2-2 लाख की बाइक लेते हैं, उसके बावजूद हेलमेट नहीं पहनते, मतलब कुछ नहीं जाता यार, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं रश कर रहा, बट अपनी जान अपने हाथ में है। अगर आज ये ना होता तो क्या क्या बोलते, बस ये है कि एटलीस्ट हेलमेट था, थोड़े बहुत गियर्स थे तो बच गया, वरना तो बस प्लीज ध्यान से चलाया करो प्लीज, और थोड़ा हेलमेट वेलमेट देख के अच्छा लगा, ये नहीं कि यार तुम लोग आते हैं एक ऐसा हेलमेट पहनेंगे कि इसमें आगे वाइजर नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत हेलमेट भी थोड़ा ऐसा पहनना चाहिए कि देखो क्या, प्लीज ध्यान से चला। तो बाकी सब ठीक है, और अभी हम लोग थोड़ी देर थोड़ा रिलैक्स होकर कंटिन्यू करते हैं, बाकी बाइक ले दुआ करना, बाइक जल्दी जल्दी रिकवर कर जाए, ठीक ठीक हो जाए जितनी भी चोट लगी है, तो चलो ठीक है। सो गाइस हम लोगों ने अनमोल को छोड़ दिया है, ठीक है, आराम से सेफली। सो अगर यहाँ पास में ही है तो यहाँ से वगैरह मैं चला जाऊँगा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए, तो प्रदीप और मैं, ठीक है चलो ओके ओके भाई, बाय बाय। सो भाई को जाना है पटेल नगर और मुझे जाना है शालीमार बाग, तो अलग अलग रूट से जा रहे हैं हम लोग, मैं जाऊंगा कश्मीरी गेट होके और भाई लक्ष्मी नगर रूट से कनॉट प्लेस होके जाएगा, ठीक है, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे फटाफट, और जाके मतलब सोना ही है, कल रात को भी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई थी, आई जस्ट स्लेप्ट फॉर अबाउट 2.5 आवर्स, सुबह से उठे मैं राइड कर रहा हूँ सुबह से, तो सोने की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है सोने की। एंड इट्स ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स, घर जाते जाते ज़्यादा ही हो जाएंगे 450 से, तो ऑल इन ऑल अ गुड राइड, अ वेरी गुड राइड, काफ़ी इंजॉय किया, और प्रदीप भाई भी बहुत अच्छे कंपेनियन है, प्रदीप भाई का चैनल ज़रूर चेक करना और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब्सक्राइब कर लेना, और क्या बस अब घर पहुँचता हूँ, और फिर घर पहुँच के आपसे बात करता हूँ बाकी की सारी बातें, चलो बाय। So guys, it's 1 o'clock right now and I just reached home. In overall we did somewhat 450 kilometers, a little more than that, and I'm very tired, extremely tired, because kal raat ko I had a sleep of about 2-2.5 hours, and then subah se we were riding the whole day. और बहुत गर्मी भी थी आगरा में, कल रात को काफ़ी मौसम ख़राब रहा, दिन गर्मी हो गई थी, एंड आज शाम की भी एक्सपेक्टेशन थी कि मौसम ख़राब ही रहेगा, तो हम लोग टाइम से निकल गए थे वहाँ से, और बाकी तो जो भी रास्ते पे हुआ इट वाज अनफॉर्चुनेट, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें होती जो हमारे हाथ में नहीं होती, एंड वी हैव टू डील विद द सिचुएशंस इन लाइफ, और इन सिचुएशंस में हमें काम रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, एंड हम लोगों ने बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल किया, और क्या बस अभी हम गोइंग टू स्लीप, नहीं पहले मेरे को ऑली वाला day 4 व्लॉग अपलोड करना है, तो वो अपलोड पर लगाऊँगा, और उसके बाद आई विल गो टू स्लीप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, सो अंटिल देन सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ।
Bye. Good night. Take care. Bye.